वेरी इंपॉर्टेंट क्रिप्टो मार्केट एनालिस का मेजर अपसाइड मूव लिया है एंड ऑलमोस्ट सभी मेजर मैसेव रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया है एंड मैक्रोस्केल पे बेटक सबसे हाइएस्ट मंथली कैंडल क्लोज करने के पास आ चुका है बेटकॉइन एनालिसिस हिस्ट्री में बट शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे गाइज मोमेंटम जो है वो थोड़ा वीक होता हुआ दिख रहा है एंड प्रोबेबली बेटकॉइन एक डिसेंट पुल बैक भी रेडी हो चुका है एंड गाइज आज की एनालिसिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है एज एम बेटक के न्यू चार्ट को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को अच्छे से एनालाइज करेंगे एंड मैक्रो स्केल से लेके शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के मेजर टारगेट्स को भी मार्क करेंगे एंड सिंस यूएस इलेक्शन में ऑलमोस्ट वन वीक से भी कम का टाइम रह गया है सो so हम ट्रेडिशनल मार्केट्स के ऊपर भी फोकस करेंगे सो so गाइस बिना टाइम लेते हुए एनालिसिस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके okay गाइस हम अपनी आज की की के एनालिसिस की शुरुआत करेंगे नोटिस कर सकते हैं मिडल में, sort of में ही है ना ही ज्यादा शॉर्ट पोजिशन ओपन है ना ही ज्यादा लॉन्ग पोजिशन ओपन है सो मार्केट कंप्लीटली न्यूट्रल है हमारी जो ऑड वन आउट एक्सचेंज रहती है हमेशा की तरह वहां पर लॉन्ग पोजिशन स्लाइटली ज्यादा ओपन है ऑलमोस्ट सिक्सटी परसेंट लॉन्ग पोजिशन जो है वो ओपन है एज कम्पेयर टू फोर्टी परसेंट शॉर्ट के साथ सो so गाइज हम मार्केट में भी कंप्लीटली न्यूट्रल सेंटिमेंट देख सकते हैं सिंस बेटक काफी ज्यादा की क्रिटिकल लेवल्स पे आ चुका है अगर गाइज यहां से ओपन इंटरेस्ट की बात करूं सो so हम ये देख सकते हैं दैट मार्केट में अभी भी मैसिवली जो ओपन इंटरेस्ट है वो ऑन है ओके फ्यूचर पे अप्रोक्सिमेटली वन पॉइंट सेवन बिलियन डॉलर की जो पोजिशन है ट्रेडर्स के बीच में वो ओपन है बाइनेंस फ्यूचर पे एट हंड्रेड एंड टू मिलियन हम देख सकते हैं बेट मैक्स पे 650 मिलियन एंड फिफ्टी मिलियन पे ऑलमोस्ट 620 मिलियन डॉलर के जो पोजीशंस हैं वो अभी भी ओपन हैं एंड अनसेटल्ड हैं गाइस विच मींस दैट मार्केट में अभी भी ट्रेडर्स के बीच में काफी पोजीशंस ओपन हैं एंड हमें एक सॉलिड लिक्विडेशन मूव जो है वो भी देखने को मिल सकता है ईदर साइड गाइस एंड अगर यहां से फंडिंग रेट की बात करूं सो गाइस फंडिंग रेट अभी भी अनचेंज है हम देख सकते हैं दैट बाइनेंस फ्यूचर पे फंडिंग रेट अभी भी पॉजिटिव में है दैट लॉन्ग ट्रेडर्स ट्रेडर्स अभी भी शॉर्ट को को पे कर रहे हैं मार्केट में पोजीशंस ओपन करने के लिए सो so, गाइज अभी भी यहां पर जो मार्केट में जो पोजीशंस है वो शॉर्ट्स को ज्यादा फेवर कर रही है अगर हम फंडिंग रेट के हिसाब से बात करें एंड अगर आवर रियल वॉल्यूम की बात करूं टॉप टेन एक्सचेंजेस में दिस इज एट अ वेरी मैसेव एन अ वेरी हाई लेवल गाइज ऑलमोस्ट थ्री बिलियन डॉलर शोज गाइज दास्ट ट्वेंटी फोर आवर में जो मूव आया था बेटकॉइन के अंदर वो क्वाइट रियल था वो फेक आउट बिल्कुल भी नहीं था एंड गाइज हम वॉल्यूम के साथ देख सकते हैं जहां पर टॉप टेन एक्सचेंजेस में अप्रोक्सिमेटली थ्री बिलियन डॉलर के अराउंड जो वॉल्यूम है वो ट्रेड हो रही है बिटकॉइन के लिए एंड गाइज अगर मैं फी एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करूं सो मार्केट दोबारा से ऑलमोस्ट नाइन पॉइंट राइज हो चुकी है ग्रीड लेवल पे करेंटली हमें देख सकते हैं दैट मार्केट जो है वो सेवेंटी परसेंट ग्रीड शो कर रही है मार्केट so में कॉशियस रहने का एंड काफी सिक्योर रहने का गाइज बेटक के मार्केट मैट्रिक्स को डिटेल में अपडेट करने के बाद जल्दी से अपनी बेटक एनालिसिस की तरफ चलते हैं एंड गाइज आज हम अपनी बेटक एनालिसिस की शुरुआत करेंगे बिटकॉइन के मंथली चार्ट के साथ सेंस बिटकॉइन का जो मंथली चार्ट है वो काफी जल्दी क्लोज होने वाला है एप्रोक्सीमेटली थ्री डेज एंड फोर्टीन आवर्स के अंदर एंड गाइस हम यहां पर देख सकते हैं दैट बिटकॉइन एनालिसिस की हिस्ट्री में बिटकॉइन सबसे बड़ा मंथली कैंडल जो है वो क्लोज करने के बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं लास्ट टाइम जब बिटकॉइन ने ये मंथली कैंडल था 2017 में बिटकॉइन बुल रन के पीक पे क्लोज किया था Approximately थर्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड डॉलर के अराउंड एंड हम देख सकते हैं गाइस बिटकॉइन काफी ज्यादा क्लोज है एक हाईएस्ट मंथली कैंडल क्लोज करने के लिए एंड गाइस अगर मैं इस चार्ट को लॉगरिथमिक स्केल पे शो करूं

ये मंथली कैंडल जो है थर्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड के ऊपर आई थिंक गाइज जो हमारे ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर के टारगेट है वो काफी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे देन हम ट्वेंटी ट्वेंटी वन की बात करें वो काफी जल्दी हमें कंप्लीट होते हुए दिखेंगे बिकॉज अगर हम यहां से मोमेंटम ऑसिलेटर्स की बात करें गाइस सो हम ये देख सकते हैं दैट मंथली कैसे अभी भी काफी अग्रेसिवली अपसाइड मूव कर रहे हैं एंड गाइज लुक एट दैट अभी हमारे पास काफी ज्यादा रूम है मैक्रो स्केल के ऊपर अपसाइड मूव करने का सो स्टिल दिस इज लुकिंग वेरी कंस्ट्रक्टिव वेरी सॉलिड एंड अगर हम बात करें मैगडी की मंथली स्केल के ऊपर सो आप ये देख सकते हैं दैट दोनों ही मूविंग एवरेजिस के अंदर काफी अच्छा डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है हिस्टोग्राम में जो स्ट्रेंथ है वो भी अपसाइड मूव कर रही है सो ओवरऑल गाइज इन इन टर्म्स ऑफ मंथली लेवल दिस इज लुकिंग वेरी वेरी कंस्ट्रक्टिव एंड वेरी हेल्दी एंड मुझे यहाँ पर कुछ भी जो बेरस है गाइज वो देखने को नहीं मिल रहा है एंड गाइज अगर हम यहाँ से बात करें वीकली की सो बेटक हम वीकली चार्ट के ऊपर भी काफी डिटेल में एनालाइज कर सकते हैं सिंस बेट क्वन का जो वीकली क्लोजर है वो काफी ज्यादा वेटेज रखता है बेटक की मैक्रो एनालिसिस हिस्ट्री में एंड गाइज करेंटली हम ये देख सकते हैं दैट वीकली स्केल के ऊपर भी काफी ज्यादा स्ट्रांग अपसाइड मोमेंटम जो है गाइज वो शो कर रहा है एंड ओवरऑल गाइज आप यहाँ पर ये भी चीज नोटिस कर सकते हैं अगर मैं मूविंग एवरेज इसको यहां से क्लोज करूं एंड अगर हम ये से वीपी वीआर को ऑन करें हमारे वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर को सो so गाइस अभी देख सकते हैं दैट बिटकॉइन करंटली इन लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है जो कि बिटकॉइन एनालिसिस की हिस्ट्री में कंप्लीटली अनएक्सप्लोर है एंड गाइस इफ आप ये समझते हैं दैट बिटकॉइन अभी बहुत ज्यादा वोलेटाइल है एंड ऑलमोस्ट 7 टू 800 के मूव ले लेता है 1 डेज के अंदर आई थिंक इफ इन में कोई भी वीकली कैंडल या एटलीस्ट कोई भी मंथली कैंडल जो है 14,000 डॉलर के ऊपर देखने को मिलता है आई थिंक गाइस ये जो वॉलेटिलिटी हम बेटकॉइन के अंदर देखते हुए दिस विल बी नथिंग एंड आई थिंक बेटकॉइन थ्री टू फोर टाइम ज्यादा वॉलेटाइल हो जाएगा सिंस बेटकइन मैक्रो स्केल के अंदर जहां पर हम बात करें वीकली की एंड मंथली की

So, this shows, guys, that bitcoin काफी ज्यादा हिस्टोरिकल लेवल्स पे है एंड जैसे मैंने बताया के ऊपर जो वीकली स्टॉक वो भी काफी अग्रेसिवली upside मूव कर रहे हैं एंड ये जो मेजर ट्रेंड लाइन है जो bitcoin को लास्ट ईयर से होल्ड करती हुई आ रही है ये अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है एंड गाइज नॉट ओनली देख सकते हैं दैट वीकली मैकडी के अंदर भी जो मोमेंटम है एंड जो स्ट्रेंथ है वो भी अपसाइड मूव कर रही है

डेफिनेटली प्राइस जो है आप ये बोल सकते हैं बोल ट्रेंड के अंदर रिट्रेस करता है गाइस अगर मैं आपको बेट कहंगा प्रीवियस बोल साइकिल शो करूँ सो आप ये देख सकते हैं द्वेंटी फिफ्टीन से लेकर ट्वेंटी सेवेंटीन का जो बोल साइकिल था इसमें हमें मल्टीपल गाइज मल्टीपल पुल बैग जो है

Almost 800 डॉलर का so ये पुल बैक एंड गाइज अगर से हम बात करें की, so था अल्टीमेट थ्री थाउजेंड से लेके अगर मैं इसको चेक करूं अप्रोक्सिमेटली एटीन हंड्रेड डॉलर के अराउंड सेवन परसेंट का एंड गाइस उसके बाद हमने जो लास्ट पुल बैक देखा था अप्रोक्सीमेटली आप ये देख सकते हैं फाइव थाउजेंड डॉलर से लेके approximately थर्टी थर्टी थ्री हंड्रेड अराउंड जो कि थर्टी एट परसेंट का पुल बैक था एंड गाइज देन बी सो मैसेफ यू नो आप ये बोल सकते हैं ब्रेक आउट टू द डाउन साइड एंड आप ये देख सकते हैं उसके बाद दोबारा से जो था एक बे मार्केट ऑलमोस्ट वन एंड हाफ ईयर की जो बे मार्केट थी वो स्टार्ट करी जहां पर अप्रोक्सिमेटली बेटक एट्टी वन परसेंट का करेक्शन जो था गाइज वो देखने को मिला सो गाइज ओवरऑल मेरा यहाँ पर आपको ये समझाने का मतलब है या अप ट्रेड में है, या up trend में है हमें गाइस करेक्शन जो है वो देखने देखने बहुत जरूरी है बिकॉज इफ बिटकॉइन में आप ये बोलते करेक्शन नहीं आएंगे गाइस ये ओवरऑल मार्केट के लिए हेल्दी नहीं होगा एंड गाइस अगर मैं ऐसे बाकी सभी मूविंग एवरेज को क्लोज करू एंड सिर्फ ट्वेंटी वन एक्सपेनेशियल मूविंग एवरेज को ऑन करूंगा एंड गाइस जैसे मैंने आपको पास्ट में बताया था दैट जब तक बिटकॉइन ये येलो ट्वेंटी वन एक्सपेनेशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता है वीकली के अंदर ये जनरली आपकी बुल मार्केट होती है जब भी बिटकॉइन इसे नीचे ट्रेड करता है ये जनरली आपकी बे मार्केट होती है एंड गाइस करेंटली देख सकते हैं दैट बिटकॉइन ना ही ऊपर ट्रेड कर रहा है बट इसके ऊपर हमें एक पॉजिटिव स्लोप जो है गाइस वो देखने को मिल रहा है ये अपसाइड मूव कर रही है येलो ट्वेंटी एवरेज जो कि ओवरऑल गाइस ये शो करता है दैट बिटकॉइन में हमें बोल रन तो नहीं बट एक बुल्स साइकिल की एक न्यू बुल्स साइकिल की जो स्टार्टिंग है वो देखने को मिल सकती है इन लेवल से सिंस बिटकॉइन एक काफी आप बोल सकते हैं मैसिव की लेवल्स पे है जो कि बिटकॉइन के लास्ट हाई के अराउंड है guys, जो लास्ट ईयर का हाई हमें देखने को मिला था है 13,880 डॉलर के अराउंड एंड करेंटली जो बिटकॉइन ने हाई क्रिएट किया है वो है 13,864 डॉलर के अराउंड सो अप्रोक्सिमेटली 16 डॉलर का जो गैप है गाइज वो रह गया है लास्ट ईयर हाई से बट गाइज ओवरऑल दिस शोज दैट बिटकॉइन एक काफी मेजर अपसाइकिल में जरूर है ओवरऑल गाइस कमिंग आप ये बोल सकते हैं फोर टू फाइव मंथस और मैक्सिमम सिक्स मंथ हमें बेट क्वन में एक मेजर हाइस जो है गाइस वो देखने को मिल सकते हैं बिकॉज ओवरऑल दिस इज लुकिंग वेरी हेल्दी बट गाइज ये सिंगल कैंडल हाई नहीं जाने वाला है जैसे मैंने आपको बताया दैट मार्केट में हमें जो करेक्शन है वो हमेशा देखने को मिलती रहती है ट्वेंटी परसेंट थर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट एक बिटकॉइन बोथ साइकिल के अंदर या किसी भी मेजर आप भी बोल guys, ये, ये बोल सकते हैं एसेट के अंदर गाइज बिकॉज ये ओवरऑल काफी हेल्दी माना जाता है ओवर आप ये बोल सकते हैं अप ट्रेंड के अंदर सो गाइज बिटकॉइन के मैक्रो स्केल को काफी डिटेल में एनालाइज करने के बाद जल्दी से बेटकॉइन के शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम्स पे भी चलते हैं सबसे सब वहीं पर ही एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है एंड आज के चार्ट को मैंने कंप्लीटली रीवाम्प किया है एंड कंप्लीटली चेंज किया है सिंस हमें काफी लाइन जो थी वो चार्ट पे देखने को मिल रही थी बट गाइज हम देख सकते हैं दैट आवर टाइम फ्रेम पे भी बिटकॉइन सभी मेजर मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड गाइज अगर यहाँ से मूविंग एवरेज को क्लोज करूं एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को गाइज हम यहां पर ऑन करें सो गाइस हम ये ये देख सकते हैं दैट जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ये जो बेसिकली आप ये बोल सकते हैं मूव था गाइस इसको अगर मैं क्लोज करूं ताकि कंफ्यूजन ना हो सो so आप ये देख सकते हैं दैट बिटकॉइन काफी अच्छे तरीके से ये असेंडिंग ट्रायंगल में था सॉरी मैंने पहले पीछे सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोल दिया था सो so बिटकॉइन ये काफी अच्छे असेंडिंग ट्रायंगल में था गाइस जिसका जो ब्रेकआउट मूव था वो अप्रॉक्सिमेटली थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड डॉलर के अराउंड था डेफिनेटली गाइस बिटकॉइन ने उसको ओवरशॉट जरूर कर दिया है बट गाइज अभी देख सकते हैं that overall Bitcoin काफी ज़्यादा क्रिटिकल ऊपर आ चुका है एंड गाइज मैंने almost सभी वो जो लाइन थी वो रिमूव कर दी है ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो चार्ट को देखने पे एंड गाइज नॉट ओनली काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम पे जरूर है बट आई थिंक पे जो ये बेटकॉइन की अपसाइड पार्टी थी ये थोड़े टाइम के लिए ओवर हो चुकी है सिंस गाइज इसका मैं रीजन क्या दे सकता हूं आपको यहां पर हमें एक काफी डिसेंट बेरेज डायवर्जेंस जो है वो देखने को मिल रही ट्वेंटी फर्स्ट अक्टूबर से आप ये देख सकते हैं हाई हायर हाई हायर हाई सो हमें यहाँ पर थ्री हायर हाईस जो है वो देखने को मिल रहे हैं प्राइस एक्शन के अंदर मैं इसको मार्क करता हूं ताकि आपको इजी हो यहां पर अंडरस्टैंड करना सो so, गाइस आप ये देख सकते हैं दैट प्राइस एक्शन में हायर हाई एंड आप ये देख सकते हैं आर एस आई के अंदर हाई लोअर हाई लोअर हाई सो थ्री पॉइंट ऑफ बेरज डायवर्जेंस हमें देखने को मिल रही है एंड आई डू फील अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन जानना चाहते हैं इफ बिटकॉइन यू नो कोई भी फोर आवर कैंडल जो है या इवन कोई भी टू आवर कैंडल जो है थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी डॉलर के नीचे क्लोज करता है जो कि बिटकॉइन का ये सपोर्ट लेवल है जो आप यहां पर देख सकते हैं गाइस इफ बिटकॉइन कोई भी टू आवर कैंडल या कोई भी फोर आवर कैंडल जो है थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी के नीचे क्लोज करता है वेरी लाइकली गाइज ये जो करेक्शन है हमें अप्रोक्सिमेटली थर्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड से लेके उजेंड सेवन डॉलर के अराउंड देखने को मिल सकती है जो कि गाइस एक काफी पुल बैक होगा एंड नो डाउट गाइस दैट यू नो पुल बैक जो है वो बहुत जल्दी बॉट बैक भी जरूर हो रहे हैं जल्दी से जो डिप्स है, guys, वो जरूर हो रहे है। में जो बोल्स है वो अभी भी फुल कंट्रोल में है बट ओवरऑल गाइज आई थिंक शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन एक स्लाइड पुल बैक ले से जरूर रेडी हो चुका है आप देख सकते हैं दैट आवर टाइम फ्रेम पे so जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं एंड काफी बुलिश जोन से नीचे मूव कर रहे हैं आवर पे भी हम सेम चीज नोटिस कर सकते हैं टू आवर पे अगर, अगर हम चेक करें सो ये भी डाउन है एंड वन आवर पे चेक करें सो ये भी डाउन है काफी अग्रेसिवली सो so, शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे गाइस हम सब में सिमिलैरिटी देख सकते हैं जो कि और ज्यादा वेटेज यहाँ पर शो कर रहा है बेरिश डाइवर्जेंस ऑलरेडी यहां पर ऑलमोस्ट अभी बोल सकते हैं कन्फर्म हो चुकी है एंड नेक्स्ट वन आवर के अंदर ये कन्फर्म्ड हो जाएगी एंड जैसे मैंने आपको बताया इफ नेक्स्ट कमिंग वन आवर के अंदर बिटकॉइन ये जो फोर आवर कैंडल है थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी से नीचे क्लोज करता है

ंड ट्वेल्वेंड से लेके $12, के guys, अगर मैं बात, करूं, की, बात करेंगे और भी नोटिस कर सकते हैं ट्वेल्व अवर टाइम फ्रेम पे भी ये जो बैरिज डाइवर्जन गाइज कन्फर्मड होती हुई दिख रही है आप अगर यहाँ से मार्क करूंगा इसी होगा यहाँ पर चेक करना सो so, आप ये देख सकते हैं दैट प्राइस एक्शन पे ये है हायर हाई एंड अगर आप यहाँ से बात करें आर एस आई की सो so गाइज आप ये देख सकते हैं आर एस आई पे आप ये देख सकते हैं हाई एंड लोअर हाई सो गाइज यहाँ पर भी ट्वेल्व अवर टाइम फ्रेम पे भी हमें जो बेरेज डाइवर्जेंस है ये कंफर्म्ड होती हुई दिख रही है

अगर हम बात करें ऐसे मैगडी की सो so गाइस हम इसके बारे में कल ही बात रहे थे दैट ये जो डेथ क्रॉस है ये अभी हमें कंफर्म होता हुआ नहीं दिखेगा एंड प्रोबेबली बिटकॉइन के पास एक 300 डॉलर का अपसाइड मूव और बाकी है 13,500 से लेके 13,800 थाउजेंड एट हंड्रेड डॉलर के राउंड गाइस हमें ऑलरेडी देखने को मिल गया है एंड गाइस अगर हम बात करें ओवरऑल वॉलिटिलिटी की सो so अभी भी आप ये देख सकते हैं गाइस दैट मैक्रो स्केल के अंदर जहां पर हम बात करें ट्वेल्व uh, आवर की अभी भी ये यू नो आप ये बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर रही है दैट इन के लिए अभी भी यहां पर आप ये बोल सकते हैं थोड़ा बहुत डाउन साइड प्राइस एक्शन जो है वो काफी तक बाकी है एंड जैसा मैंने आपको बताया इफ बेट कॉइन ट्वेल्व आवर कैंडल फोर आवर कैंडल टू आवर कैंडल थर्टीन थाउजेंड फाइव से नीचे क्लोज करता है जो कि करंटली करंट प्राइस एक्शन आप ये देख सकते हैं 13,500 डॉलर के अराउंड है वेरी लाइकली गाइस ये जो करेक्शन है हमें अप्रॉक्सिमटली 13,000 डॉलर के अराउंड लेती हुई जाएगी और मोर लाइकली गाइस आप ये बोल सकते हैं 12,700 डॉलर के अराउंड गाइस बिटकॉइन की डिटेल्ड एनालिसिस के बाद जल्दी से ट्रेडिशनल मार्केट्स को भी चेक कर लेते हैं जहां पर हम स्पेसिफिकली बात करेंगे फ्यूचर की सिंस गाइस यूएस इलेक्शन में लेस देन वीक रह गया है एंड गाइस अगर हम यहां से बात करें कोरिलेशन की सो so बिटकॉइन में एंड यूएस स्टॉक मार्केट में जरा भी को जो है गाइस वो देखने को नहीं मिल रहा है आप ये देख सकते हैं तो ये जो कैंडल चार्ट है ये नैजडेक uh, फ्यूचर है एंड आप ये जो ब्लू लाइन चार्ट देख सकते हैं ये बिटकॉइन है एंड गाइस अब ये देख सकते हैं दैट कंप्लीटली बिटकॉइन अभी किसी भी एसेट को दुनिया में फॉलो नहीं कर रहा है चाहे बात कर लें गोल्ड सिल्वर ऑयल फ्यूचर इंडियन स्टॉक मार्केट कोई भी कोरिलेशन जो गाइज बिटकॉइन के साथ देता हुआ नहीं मिल रहा है बट अगर आप यहां से बात करें ओवरऑल यूएस स्टॉक मार्केट की गाइज दिस इज लुकिंग रियली वीक नो डाउट अबाउट इट एंड जैसे ही यूएस इलेक्शन पास आते हुए जा रहे हैं मार्केट में जो आप ये बोलते हैं कंफ्यूजन जो है गाइज

उजेंड ब्रेक होता है इतनी ज्यादा क्वानिटेटिविंग जो है मार्केट में देखने को मिली है इकोनमी को यूनो you know, आप बोल सकते हैं कैश से फिलअप किया हुआ है स्टॉक्स को बाय बैक किया हुआ है एंड कंप्लीटली मिला था स्टॉक मार्केट जो है वो कंप्लीटली आप ये बोल सकते हैं डेल्यूजनल है यू you नो know, जो ग्राउंड रियलिटी पे आप ये बोल सकते हैं चल रहा है मार्केट के अंदर और आप देख सकते हैं गाइस दैट ग्लोबल मार्केट जो है वो काफी वीकर पोजीशन पे है एंड गाइस अगर हम यहां से बात करें जल्दी से बिटकॉइन बिटकॉइन डोमिनेंस डोमिनेंस की सो इज बेटकली आप ये बोल सकते हैं पैराबोलिक बिकॉज ये जो मेजर सिक्सटी थ्री परसेंट का लेवल है बेटक डोमिन गाइस ट्वेंट थर्टी थर्टीन जुलाई के बाद ब्रेक कर रहा है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड गाइस नो डाउट बिट यू नो कॉइन सॉरी इन टर्म्स ऑफ सतोशी लेवल क्रश्ड हो रहे होंगे एब्सोल्युटली एंड गाइस जैसे मैंने आपको अपनी एनालिसिस हिस्ट्री में बताया था इफ बिटकॉइन डोमिनेंस ये 63% का जो लेवल है ये लूज करता है एंड सॉरी ये ब्रेक करता है एंड हमें वीकली कैंडल जो है 63 के ऊपर क्लोज होता हुआ दिखता है गाइज आई थिंक इन काफी बड़े हेल्थी करेक्शन के लिए आप ये बोल सकते हैं ओवर हो जाएंगे एंड वेरी लाइकली बोल सकते हैं हमें प्रॉपर ट्रेंड रिवर्सल जो है वो भी देखने को मिल सकता है इफ बेटक जो है ये 63% का लेवल जो है वो ब्रेक करता है अपसाइड की तरफ गाइस बिटकॉइन डोमिनेंस के बाद जल्दी से यहाँ पर क्विक ऑयल कॉइंस को भी चेक कर लेते हैं सिंस हमें ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है गाइस अभी भी आप ये देख सकते हैं गाइस दैट इथेरियम स्टिल साइडवेज मूव कर रहा है कुछ भी हमें यहाँ पर ज्यादा जो चेंजेस है ओवरऑल हम ये देख सकते हैं या उसकी स्पीड के साथ कोप अप नहीं कर पा रहा है, है. चाहे बात कर ले ग्लोबल मार्केट की एंड जैसे मैंने आपको बताया फोर आवर कैंडल या टू बी ऑन मच मोर सिक्योर साइड डेली कैंडल जो है वो 380 के नीचे क्लोज होता हुआ दिखता है वेरी लाइकली ये जो प्राइस एक्शन है वो हमें 360 डॉलर के अराउंड आता हुआ दिखेगा एंड गाइस इफ बिटकॉइन सिर्फ एंड सिर्फ फोर आवर कैंडल जो है 360 के नीचे क्लोज करता है सॉरी इथेरियम मेरे को बोलना था इफ इथेरियम 360 डॉलर के नीचे कोई भी फोर आवर कैंडल क्लोज करता है वेरी लाइकली ये जो प्राइस एक्शन है मैं 330 से लेके 300 डॉलर्स पे पर आता हुआ दिखेगा बट एज ऑफ नाउ गाइस कुछ भी बेरस यहाँ पर मुझे देखने को नहीं मिल रहा है एक डिसेंट अप्रेंड में इथेरियम जरूर है आप ये देख सकते हैं लो हायर लो हायर लो हायर लो सो दिस इज स्टिल लुकिंग वेरी हेल्दी एंड यह अप्रेंड तब तक कंटिन्यू रहेगा गाइस जब तक इथेरियम 360 डॉलर से ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड जितना टाइम इथेरियम 360 डॉलर से ऊपर ट्रेड कर रहा है उतनी ही गाइस जो चांसेस है वो अपसाइड के ज्यादा है गाइस इथेरियम के बाद अगर हम यहाँ से बात करें चेन लिंक की सो so, चेन लिंक का प्राइस एक्शन भी गाइस हम ये देख सकते हैं दैट कंप्लीटली फ्लैट है एंड ज्यादा कुछ हम यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है एंड जैसे एनालिसिस में बता चुका हूं जब तक चेनलिंग टेन डॉलर से ऊपर ट्रेड कर रहा है देर इज नथिंग टू गेट बेरिश एट ऑल आपको बेरिश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है गाइस आप ही देख सकते हैं लो हायर लो हायर लो हायर लो, हायर लो. हम एक डिसेंट अप्रेंड में जरूर है सॉरी चेनलिंग डीसेंट अपट्रेंड में जरूर है हम ऑलमोस्ट सभी मेजर मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं मोमेंटम ऑसिलेटर्स की अगर हम बात करें गाइस डेफिनेटली डेली स्टॉक है वो नीचे जरूर मूव कर रहे हैं विच शोज दैट मोमेंटम स्लाइटली यहां से बैरेज जरूर हो सकता है बिकॉज आर एस ए भी दोबारा न्यूट्रल जोन के अंदर आ गया है एंड मैगडी में भी हम देख सकते हैं दैट ये जो स्ट्रेंथ है वो डाउन साइड मूव होती हुई दिख रही है बिकॉज गाइज ओवरऑल आप ये आपको समझना बहुत जरूरी है बट करंटली जो सभी ट्रेडर्स का फोकस है ओवरऑल मार्केट का फोकस है वो ऑल्ट क्वाइंस में बिल्कुल भी नहीं है दैट दैट इज इज कंप्लीटली फोकस्ड ऑन एंड द ओनली रीजन गाइज हम इथेरियम में चेन लिंक में बाकी सभी ऑल्ट क्वाइंस में एक डीसेंट करेक्शन जो है guys, वो देख सकते हैं एंड अगर हम यहां से बात करें स्पेसिफिकली चेन लिंक की तो so, गाइज जब तक चेन लिंक कोई भी डेली कैंडल जो है टेन डॉलर के नीचे क्लोज नहीं करता है थिंग टू गेट बेरस एट ऑल एंड जितना टाइम यू you नो know, चेन है इससे ऊपर ट्रेड कर रहा है उतनी ज्यादा जो चांसेस है वो टॉप साइड के ज्यादा है लेकर सिक्सटीन डॉलर के अराउंड सो so गाइज में अपनी आज की वीडियो को यही पर रैपअप करूंगा ये वीडियो ऑलरेडी काफी यू नो आप बोल सकते हैं लॉन्गर ड्यूरेशन पे हो चुकी है so सो गाइज में अपनी बेटकइन एनालिस को रैपअप करूंगा गाइस आपको बेटक एनालिसिस से थोड़ी भी वैल्यू मिली हो सो so प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड गाइड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेक श्योर दैट आप मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको डेली क्रिप्टो मार्केट से ब्रेड कॉइन से ट्रेडिशनल मार्केट से अपडेटेड रखूं एंड गाइस सिर्फ अभी तक आपने मेरी इंक्रेडिबल टेलीग्राम कम्युनिटी को भी ज्वाइन नहीं किया है उसका भी जो लिंक है गाइस वो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर रखा है सो so, आप वो लिंक को क्लिक कर सकते हैं एंड मेरी इक्रेडिबल टेलीग्राम कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस हैव अ ग्रेट डे प्लीज स्टे एट होम एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच